एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो स्किन केयर वीडियो होने वाला है, बिकॉज विंटर्स भी आने वाले हैं गाइस। तो मैंने अभी अपनी क्रीम्स में थोड़े चेंजेस किए हैं, एंड अभी मैंने दो क्रीम परचेज की हैं, लोटस हर्बल यूथ आरएक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम एंड लोटस हर्बल यूथ आरएक्स एंटी एजिंग नरिशिंग नाइट क्रीम। सो ये दोनों मैं लास्ट 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका एक्सपीरियंस, पैकेजिंग एंड आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्राइस एंड ऑल, इस पूरी वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले गाइस एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, जो भी मैं रिव्यू शेयर करती हूँ वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है एंड जो भी मुझे फील होता है क्रीम को यूज़ करने के बाद, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। सबका स्किन टाइप अलग होता है गाइस, तो सबसे पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, जिससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम या आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको पहले ही पता चल जाए। सो फर्स्ट लेट वी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। सो पैकेजिंग में आपको कार्डबोर्ड का बॉक्स मिल जाएगा दोनों में ही, एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लोटस हर्बल यूथ आरएक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम एसपीएफ 25 के साथ। इसमें SPF भी आपको मिल जाएगा, बट अगर आपको इसमें SPF मिलेगा तो अलग से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। घर में अगर आप घर में हैं तो इसको लगा के काम चल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। बट इन केस अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अलग से सनस्क्रीन अप्लाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हैंड प्रिजर्वेशन फ्री है गाइज, ऑल्सो ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। सो अगर आपका स्किन टाइप कोई भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इस पर मेंशन किया हुआ है। ओपन कर लेते हैं, ये डे क्रीम है गाइज, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको गोल्डन कलर का टब इसमें मिलेगा, ऑल्सो जो लिड है उसका पर्पल कलर मिलेगा। सो ये कुछ बॉक्स से मैचिंग ही है। सो ये हाइजीन के पर्पज़ से मे भी आपको उतना बेटर ना लगे, बिकॉज इसमें आपको बार बार अपनी फिंगर्स डिप करनी पड़ेंगी, एंड जो ट्यूब टाइप की पैकेजिंग होती है गाइज वो हाइजीनिक होती है ज़्यादा। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाइज नॉर्मल क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी है। बिकॉज अभी विंटर्स आ गई हैं गाइज, तो जेल बेस्ड क्रीम मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा अभी इफेक्टिव होने वाली है, बिकॉज ड्राई इची होती है विंटर्स में आपकी स्किन। मेरा जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो मैं प्रेफर करती हूँ क्रीम बेस्ड जो कंसिस्टेंसी वाली क्रीम्स होती हैं वो विंटर्स में बहुत अच्छी होती हैं। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है नॉर्मल क्रीम बेस्ड है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सो अप्लाई करने के बाद गाइज बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में, सो बहुत ही क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है एंड अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है आपकी स्किन को, हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चराइज करेगी, एंड अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी आपको शाइन अलग से दिख रही होगी ऑटोमेटिक। तो इस तरह से शाइन आएगी आपकी स्किन पे अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट जो है गाइज वो है नाइट क्रीम, लोटस हर्बल एंटी एजिंग नरिशिंग नाइट क्रीम, प्रिजर्वेशन फ्री है, ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। इसमें भी आपको टब टाइप की पैकेजिंग गाइज मिल जाएगी, जस्ट अपोजिट है। इसमें आपको गोल्डन कलर का टब था एंड पर्पल कलर का लिड, इसमें आपको पर्पल कलर का टब एंड गोल्डन कलर का लिड मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी जो कंसिस्टेंसी है अगेन क्रीम बेस ही है। ओपन करने के बाद कुछ वाइट कलर के टेक्सचर में आपको मिल जाएगी इस टाइप की, एंड इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, बिकॉज नाइट में गाइज हमें ऐसी क्रीम की ज़रूरत होती है जो ऑल नाइट हमारे स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखे। सो ये इस तरह से आपको क्रीम बेस्ड टाइप कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ईजीली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन सी। यहाँ पे मैंने डे क्रीम अप्लाई की थी, यहाँ पे मैंने नाइट क्रीम अप्लाई की थी। सो अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी शाइन थोड़ी सी फील होगी आपके स्किन पे। नेक्स्ट जो है गाइस कॉस्टिंग। सो डे क्रीम का जो प्राइस है वो है 695 रुपीज एंड नाइट क्रीम का जो प्राइस है वो है 725 रुपीज। इसमें आपको 50 ग्राम्स का पैक मिल जाएगा, बट अगर आप लोटस की वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा।
तो गाइज अब बारी आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो लास्ट 7 डेज में इनको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। जनरली हम जो एंटी एजिंग क्रीम होती है उनको आफ्टर 30 यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, बट अभी का जो लाइफ स्टाइल हो गया है गाइज वो इस तरह से हो गया है कि पॉल्यूशन की वजह से, सन डैमेज की वजह से आपकी स्किन पे 25 के बाद ही फाइन लाइन रिंकल की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो प्लीज़ 30 तक का वेट ना करें, 27-28 में भी स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो डे एंड नाइट क्रीम यूज़ करने के बाद लास्ट 7 डेज से एंड मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन लगी है। अगर आपको अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है, डल स्किन का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, पिंपल मार्क्स, उनको भी फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑल्सो गाइज अगर आपको रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स का प्रॉब्लम है तो उन्हें भी मिनिमाइज करने में ये काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। बट ये नॉर्मल क्रीम्स हैं गाइस, जब तक हम इनको यूज़ करेंगे तब तक इफेक्ट रहेगा, एंड यूज़ करना बंद कर देंगे तो इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप जब तक यूज़ करते हैं तभी तक उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दोनों ही क्रीम्स को गाइस मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, आप इनको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मेरी स्किन पे इनका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।